दिव्यांग बच्चों के हित में काम करने वाली संस्था श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हैंड सैनिटाइजर, साबुन और फिनाइल बनाने का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण देकर बच्चों के आत्मविश्वास को जगाना चाह रहे हैं। यह चीज आसानी से गृह उद्योग में उपयोग कर सकते हैं। शारीरिक अक्षमता के कारण दिव्यांग बच्चों को धनराशि और वह मूल्य इनको नहीं मिल पाता है जिसके ये हकदार होते हैं। प्रशिक्षण की जानकारी श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के संरक्षक व छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव ने कुछ इस प्रकार से दी है। श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के संरक्षक व छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव द्वारा एसोसिएशन के सदस्य दिव्यांग खिलाड़ियों को आत्मनिर्भर बनाने व उनकी सहायता आर्थिक तौर पर करने के उद्देश्य से उन्हें अपने पैरों पर खड़ा हो व्यवसाय करने प्रेरित किया जा रहा है और इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण रायपुर की टीम द्वारा दिया भी गया। प्रशिक्षण में दिव्यांग खिलाड़ियों को फिनाइल, हैंड वॉश, साबुन, बर्तन बार आदि बनाने का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया गया। यह चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के संरक्षक अरुण श्रीवास्तव विशेष रूप से शामिल भी रहे। रायपुर की टीम ने दिव्यांग खिलाड़ियों को फिनाइल, हैंड वॉश, साबुन किस तरह तैयार करना है इसकी प्रारंभिक जानकारियां देते हुए बारीकियां सिखाई। प्रशिक्षण पा रहे दिव्यांग जनों में हर्ष व उत्साह साफ नजर आया। उत्साहित दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनकर बोल रहा हूँ जो छत्तीसगढ़ दिव्यांग एसोसिएशन से जिसके हमारे आभारी जो अरुण श्रीवास्तव सर हैं जो हमारे लिए बहुत से चीज़ कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे लिए रायपुर से टीम आने वाली है जो कि साबुन, हैंड वॉश, सैनिटाइजर जैसे आदि चीज़ों को बनाने का हमें को ट्रेनिंग देगी। उसके लिए हम उसके लिए सक्षम हैं और हम इस दौर पर आगे बढ़ाने के लिए अरुण श्रीवास्तव हमारे लिए जो हमारे सर हैं वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, इनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आगे जाके जिससे हमारा भविष्य सफल रहे, CDCA के जो हैं प्लेयर हैं। मैं बसंत सिंह, छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन का प्लेयर, और हमारे बीच रायपुर से जो टीम आ रही है वो हमारे आत्मनिर्भर के लिए कुछ सामान बनाने का। जैसे क्या क्या सामान, क्या क्या चीज़ है उसमें? हैंड वॉश, सैनिटाइजर, साबुन, हार्पिक, ये सब चीज़ों का। और हमारे अरुण कुमार श्रीवास्तव सर का भी बहुत आभार हूँ जो हमारे लगातार प्रयास करते हैं, हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं खेल में भी और आत्मनिर्भर करने के लिए। छत्तीसगढ़ टीम दिव्यांग टीम का मतलब सदस्य एंड प्लेयर हूँ और हमारे जो टीम है रायपुर से जो आ रही है वो हम लोग को मतलब प्रशिक्षण देने के लिए, और हमारे जो छत्तीसगढ़ टीम के जो प्रदेश अध्यक्ष जो है जी हैं अरुण कुमार श्रीवास्तव सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो कि हम लोग के लिए मतलब खेलकूद के साथ साथ में हम लोग को मतलब स्वरोजगार भी मतलब हम लोग के लिए प्रदान करने का मतलब अपने लिए हम लोग के लिए समय दे रहे हैं। क्या क्या प्रशिक्षण आप लोग को दिया जाएगा, किस किस को सामान बनाने का? मैम जैसे कि साबुन हो गया, सैनिटाइजर हो गया और फिनाइल, तार्पिक और मतलब कुछ कुछ अन्य सामग्री जो चीज़ें हैं मैम हम लोग को मतलब प्रशिक्षण उसके लिए मतलब ट्रेनिंग का मतलब ये पहल कैसी मैम? ये मैम सर जी मतलब खेल के थ्रू मैम सर भी ये बोल रहे हैं कि मतलब हम लोग को मतलब रोजगार भी हम लोग को मतलब प्रदान किया जाए तो मैम हम लोग क्या खेल में भी हम लोग अपना साइड इनकम भी आवक हो जाएगा। वहीं यहां पर फिनाइल, साबुन, हैंड वॉश आदि बनाने प्रशिक्षित कर रहे रायपुर की टीम द्वारा भी इस तरह की जानकारी दी गई है। मेरा नाम नवरीलाल चंद्राकर है, मैं रायपुर जिले से हूं और मैं टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूं। आज मेरे को जैसे कि यहां पर मौका मिला है कि जैसे विकलांग बच्चे हमारे तो उन लोगों को कुछ ट्रेनिंग देना है ताकि वो अपने जीवन यापन के लिए कुछ अलग से फंड इसमें इकट्ठा कर पाए, है ना। तो इसके लिए हम लोग आज साबुन निर्मा, फिनाइल वगैरह कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर हम इसको ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। कैसा है बच्चों के लिए प्रयास किया जा रहा है चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा, ये प्रयास कैसा है? हाँ बहुत अच्छा प्रयास है, अगर ये ट्रेनिंग लेके ये लोग सीख जाएंगे तो आज इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उस डिमांड के अंतर्गत ये अपने नेटवर्क के थ्रू इसको लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो वहीं श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के संरक्षक अरुण श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए अपना उद्देश्य बताया। मैडम यहाँ पर अभी दिव्यांग बच्चों के लिए फाउंडेशन की तरफ से हैंड सैनिटाइजर, साबुन, फिनाइल
इस चीज को बनाने का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह कोई व्यावसायिक रूप का प्रशिक्षण का कार्यक्रम नहीं है। हम बच्चों में ये आत्मविश्वास जगाना चाहते थे कि ये चीज गृह उद्योग में हम आसानी से कर सकते हैं। आज ये बच्चे कहीं नौकरी करने जाते हैं, कहीं ना कहीं शारीरिक अक्षमता के कारण वह धनराशि वह मूल्य इनको नहीं मिल पाता है जिसके ये हकदार होते हैं। तो हमने इनको कहा है, इनसे हमने कहा कि आप लोग इसको स्वयं करिए, स्वयं बना के देखिए। जो बच्चा चल नहीं पाएगा वो बैठ के बनाएगा, जो बच्चा चल सकता है वो इसकी मार्केटिंग करेगा, जो बच्चा पढ़ा लिखा है वो इस पूरे काम को मैनेज करने का काम करेगा। संस्था का उद्देश्य क्या है? मैंने हमेशा कहा है, श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन समाज के उन वर्गों तक जा करके काम करेगी जिनके बारे में कभी ना सोचा गया ना लोग काम कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये मेरी पहली संस्था है जो अंत्योदय या समाज के अंदर तक जा रही है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ यह वह पहली संस्था है जो उन लोगों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप लाएगी जिनके बारे में लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। जैसा कि आप दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और जितने बच्चे यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं ये सब सदस्य भी हैं उसके, तो इन बच्चों में खेल के अलावा ये प्रोडक्ट को लेकर कितनी रुचि दिख रही है? सबसे बड़ी समस्या हमारे सम्मुख यह जाती थी कि क्रिकेट से आज इन बच्चों का आर्थिक उपार्जन कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। निश्चित रूप से प्रैक्टिस के साथ साथ इनके ऊपर अपने घर को चलाने का दबाव भी है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में सामंजस्य करने की जरूरत है। क्रिकेट तो ये बच्चे सीख ही रहे हैं, वह उनका जुनून भी है, लेकिन अगर इनको हम इनके आर्थिक उपार्जन से जोड़ पाए, इनको स्वावलंबी बना पाए, तो कहीं ना कहीं इनके खेल में निखार आएगा ही आएगा और इसके साथ साथ इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यही संस्था का मेरा निजी उद्देश्य है। मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन का संरक्षक, आपके माध्यम से अपील करता हूँ सभी जनता से, इन बच्चों का साथ दीजिए, इनके प्रोडक्ट की गुणवत्ता के आधार पर इनका आकलन करिए, कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास ही इनको आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद। बहरहाल श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के संरक्षक अरुण श्रीवास्तव द्वारा किया जा रहा ये प्रयास बेहद प्रशंसनीय है। इस पहल से आर्थिक तंगी की मार झेल रहे दिव्यांग खिलाड़ी आत्मनिर्भर होंगे और अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए सहारा बनेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।